Well, it's a special day today. Obviously, Valentine's Day ka din hai, pyar ka din hai. Everywhere you will see red hearts, red roses, red cakes, and obviously red attire mein hame hamare favorite couples filhal Valentine's Day celebrate karte hue nazar aa rahe hain. Aur well, usi mein se hamare sabse favorite couple and abhi jo hai taza naye bane hue power couple yani TejRan ki baat karte hain. Kis tarah celebrate kar rahe hain TejRan apna aaj ka ye khaas din, un dono ka pehla Valentine Day hai ghar ke bahar, and obviously dono ek saath. Well, kya hai unka plan, kya kar rahe hain wo aaj, aur aaj ke din especially क्या कहाँ है तेजस्वी ने करण के बारे में, करण ने तेजस्वी के बारे में. बताती हूँ इन दिस वीडियो, देख रहे आप फिफाफूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त दांगी करने. वेल, अगर बात करें तो घर के अंदर ना कई सारे रोमांसेस होते हैं, ठीक है. टू फॉल इन लव इन बिग बॉस का हाउस इज वेरी इजी, लेकिन टू स्टे इन लव आफ्टर बिग बॉस का घर इज डिफिकल्ट. लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों ने प्रूव करना शुरू कर दिया है कि प्यार जो है सच्चा है, एंड सच्चा प्यार हमेशा जीतता है. कितना भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, एक दूसरे से कितना भी रूठना हो, लेकिन मनाना हो, एक दूसरे के साथ रहना हो पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, तो ये हमें वो चीज जरूर सिखाते हैं. वेल, तेजस्वी और करण जो है उनके पहले इंप्रेशन के बारे में, घर के अंदर जब वो गए थे दूसरे के बारे में उनका क्या पहला इंप्रेशन था, कैसी चीजें थी, बता दी आपको. एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दी गई जानकारी के अनुसार तेजस्वी कहती है, जब मैं घर के अंदर आई थी मेरा काफी क्लियर था कि मैं नेशनल टेलीविजन पे किसी को भी डेट नहीं करूंगी. मुझे करण काफी क्यूट लगे थे, लेकिन मैं कभी भी उस फीलिंग के साथ आगे नहीं गई. लेकिन एक चीज एक चीज हुई, फिर उसके बाद दूसरी, वन थिंग लेड टू अनदर, एंड हियर आई एम, आई एम मैडली इन लव विद दिस गाय. एंड मुझे पता है ही इज द वन, एंड आई एम ग्लैड कि हम दोनों जो है इस शो में मिले. एंड भले मैं नहीं चाह रही थी कि नेशनल टेलीविजन पे मैं कभी भी रोमांस करूँ, लेकिन इट जस्ट हैपेंड. आई मीन इट वॉज मेंट टू बी. इस तरह से तेजस्वी करण के बारे में अपना पहला इंप्रेशन जो है और अपनी प्यार की कहानी है उसके बारे में बता रही है. करण कहता है कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, एंड एट द सेम टाइम वो बहुत ही वल्नरेबल है. हमारा रिलेशनशिप नया है, बट ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे सालों साल जानता हूँ. पिछले चार महीने से 24 घंटे हम एक साथ रहे हैं. सो ऐसा लग रहा है हम सालों साल एक दूसरे को जानते हैं. हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर चुके हैं, और हमेशा हमेशा वी ऑलवेज हैड ईच अदर्स बैक. कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. हमेशा जितने भी लड़ाई, जितने भी झगड़े, जो भी प्रॉब्लम्स हुए, हम हमेशा उससे बाहर आते थे, एंड बिल्कुल स्ट्रांगली बाहर आते थे. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे लाइफ में तेजस्वी है, एंड मैं अपनी जिंदगी तेजस्वी के साथ बिताना चाहता हूँ. सब कुछ नया है, लेकिन हम एक दूसरे से टाइम स्पेंड करके एक दूसरे को जानने की और कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पहुँचे जहाँ हम एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं तेजस्वी एंड करण जो है अपनी लव स्टोरी की जो शुरुआत है वो बताते हैं, किस तरह से दोनों एक दूसरे को मिले, क्या फील किया एक दूसरे के बारे में, क्या सोचते थे, और प्यार नहीं करना चाहते थे लेकिन प्यार हो गया. वेल, आपको क्या है इनके लव स्टोरी के ऊपर कहना, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए. आई सी यू गाइज वेरी सून, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.